नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। तेरे माथे पर यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। असरार उल हक मजाज साहब का ये शेर मैं उस लड़की के लिए पढ़ रहा हूँ जिसके आंचल की आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही, जिसने अपने आंचल को परचम बना ही लिया। पूरी दुनिया में एक तस्वीर खूब सराही जा रही है, एक लड़की जिसने जुल्म सितम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उसने हुक्मरानों के हुक्म को नजरअंदाज कर दिया। जब उस पर जोर जबरदस्ती हुई तो उसने नग्न आंखों वाले समाज के सामने अपने बदन से कपड़े उतार दिए, बेलिबास हो गई वो। उसको इसका हश्र भी पता था, क्योंकि उसके ही देश में क्रांति की आवाज बनी महसा अमीनी को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। कई लोग इसे ईरान में क्रांति का बीगुल भी बता रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब ईरान में इस तरह का विरोध हुआ हो। सितंबर 2022 में मोरल्टी पुलिस की हिरासत में एक युवा ईरानी महिला महसा अमीनी की जान जाने के बाद पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर हिजाब प्रतिबंधों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, जिसे सरकार ने शक्ति के बूते में दबा दिया था। पिछले कुछ सालों में ईरान में महिलाओं द्वारा ड्रेस कोड का विरोध बढ़ा है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इन प्रतिबंधों ने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों द्वारा कई आंदोलनों को जन्म दिया जो अनिवार्य हिजाब को चुनौती देते हैं। ईरान में एक लड़की को यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने कपड़े उतारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह घटना शनिवार की है। लड़की ने देश के सख्त इस्लामी ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध में अपने कपड़े उतार दिए थे। ईरानी जर्नलिस्ट मसीह अली नेजात ने ट्विटर में इस घटना के संबंध में लिखा कि ईरान में यूनिवर्सिटी मोरलिटी पुलिस ने एक अनुचित हिजाब के कारण एक छात्रा को परेशान किया, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अपने शरीर को विरोध में बदल दिया। इस तस्वीर को देखिए, उस लड़की के आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं जो हिजाब में हैं, वो भी हिजाब पहन लेती, मगर उसने सहमति की बजाय विरोध को चुना। बाकी लड़कियों के मन में भी विरोध पनप रहा होगा, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन इस लड़की ने हिम्मत जुटा दी। उस लड़की को पता था कि विरोध का हश्र सिर्फ सितम होता है, क्रांति करने वाला कोई एक ही पैदा होता है, लेकिन वो एक लाखों पर भारी पड़ जाता है। सरकारें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ है औरतों के दम से है। मुनीर नियाजी साहब का ये लिखा शेर है। ईरान से वो तस्वीरें दरअसल अभी आ रही हैं। ये देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ और न ये देश पहला ऐसा था भी नहीं। ईरान के इतिहास को देखा जाए तो रजा शाह पहलवी के दौर में वहाँ का समाज काफ़ी खुला हुआ था। उनके बेटे रजा पहलवी के शासन में भी ईरान पश्चिमी मुल्कों से ज़्यादा खुला था। यूनिवर्सिटी में महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी थी। उनके ड्रेस वाले का कोई कोड नहीं था, अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक पहनावे पर वो पहनते थे, कोई उसमें कानून नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। महिलाओं को सड़कों पर भी पश्चिमी वेस्टर्न टाइप के कपड़े आराम से पहने देखा जा सकता था। ईरान जैसा आज था वैसे 70 के दशक में नहीं था, जब ईरान यूरोपीय देश की तरह खुले विचारों वाला देश हुआ करता था। यहाँ जाने वाले लोग अक्सर महिलाओं की आज़ादी की तारीफें करते थकते नहीं थे, लेकिन 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ से राजा को जान बचाकर भागना पड़ा। उसके बाद ये देश पूरी तरह से बदल गया, महिलाओं की आज़ादी खत्म हो गई, ईरान कट्टर इस्लामिक मुल्क बन गया जहाँ हिजाब न पहनने पर भी सजा दी जाती थी। ईरान शरिया कानून पर चलने वाला एक ऐसा मुल्क है जो धार्मिक मान्यताओं का पालन पूरी कट्टरता से करता है और करवाता है। कपड़ों से लेकर इबादत तक जुड़े ऐसे कई नियम हैं जो लोगों को सार्वजनिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। इन नियमों पर ईरानी सरकार की पैनी नजर रहती है और इनका उल्लंघन करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। हालांकि शनिवार के घटनाक्रम ने हर किसी को चौंका दिया। इस वीडियो ने 2 साल पहले ईरान में हुई हिजाब क्रांति की यादें भी ताजा कर दी। 70 के दशक में ईरान में पश्चिमी सभ्यता का बोलबाला था। ईरान की इस बोल्डनेस की वजह यहाँ के शासक रजा शाह पहलवी थे। 1936 में
पहलवी वंश के राजा शाह ने हिजाब और बुरका पर बैन लगा दिया था। महिलाओं की आज़ादी के लिहाज से बहुत क्रांतिकारी कदम था। बाद में उनके बेटे राजा पहलवी ईरान के शासक बने, लेकिन 1949 में नया संविधान लागू किया गया। इस बीच 1952 में मोहम्मद मुसद्दीक प्रधानमंत्री बने और साल भर बाद 1953 में उनका तख्ता पलट हो गया। उसके बाद राजा पहलवी ही देश के सर्वे सर्वा बन गए। राजा पहलवी के दौर में भी हिजाब और बुरके पर बैन लगा रहा, लेकिन फिर पुरुषों ने महिलाओं का घर से निकलना बंद कर दिया। उन्होंने इस नियम में थोड़ी छूट जरूर दी, लेकिन वो पश्चिमी सभ्यता के पक्षधर थे। इन सब का नतीजा ये हुआ कि राजा पहलवी को जनता अमेरिका का कठपुतली कहने लगी। उस समय उनके विरोधी थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनेई। 1964 में पहलवी ने खामनेई को देश निकाल दिया। साल 1963 में ईरान के शासक राजा पहलवी ने श्वेत क्रांति का ऐलान किया। आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिहाज से ये बड़ा ऐलान था, लेकिन ईरान को पश्चिमी मूल्यों की तरफ ले जा रहा था, इसलिए जनता ने इसका विरोध शुरू कर दिया। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगी, इससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। 1978 का सितंबर आते जाते जनता का गुस्सा फूट पड़ा। पहलवी के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होने लगे थे। इसकी अगुवाई मौलवियों ने की। कहा जाता है कि इन मौलवियों को फ्रांस में बैठे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामनेई के निर्देश मिल रहे थे। कुछ ही महीनों में हालात बद से बदतर होने लगे। आखिरकार 16 जनवरी 1989 को राजा पहलवी अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए। जाते जाते उन्होंने विपक्ष के नेता शापुर बख्तियार को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया। फरवरी 1989 में खामनेई ईरान वापस आ गए। बख्तियार के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हालात बिगड़ते जा रहे थे। 1989 के मार्च में ईरान में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 98% से ज़्यादा लोगों ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के पक्ष में वोट दिया। इसके बाद ईरान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया। खामनेई के हाथों में सत्ता आते ही नए संविधान पर काम शुरू हो गया। नया संविधान इस्लाम और शरिया पर आधारित था। फिर क्या था, जो तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, जुल्म की कहानियां जो सुन रहे हैं, वो तब से लेकर आज तक जारी है। अंत में हमीदा शाहीन के शेर के साथ विदा लूंगा। कौन बदन से आगे देखे औरत को, कौन बदन से आगे देखे औरत को, सबकी आंखें गिरवी हैं इस नगरी में। धन्यवाद।